अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो रेसिपी है आपसे शेयर करूँगी वो बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे बड़े सबकी फेवरेट है। आज मैं बना रही हूँ नली बीफ बिरयानी। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हड्डी वाला गोश्त है मेरे पास, ठीक है? तो ये 1 किलो गोश्त है, ये डाल दूँगी मैं इसमें सारा जी। ये मेरे पास 3 नली हैं, और ये देखें आप, नली चेक करें, इसके अंदर अभी गूदा है जो कि अभी घी की शक्ल में बाहर निकलेगा। और ये गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है मेरे पास, और किलो गोश्त है, ठीक है? इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत मज़े की। और ये मेरे पास खड़े मसाले हैं, सारे साबित खड़े मसाले, ठीक है? काली मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, और दालचीनी है, लौंग है, ठीक है? ये मैं डाल दूँगी, ये तकरीबन 2 चम्मच है मेरे पास खड़े मसालों के, ये, और आधा चम्मच नमक ये है मेरे पास, ठीक है? और 1 चम्मच लहसुन अदरक का भर के डालूंगी, ठीक है? क्योंकि गोश्त में स्मेल वगैरह होती है तो उसे ही के ख़त्म हो जाएगी। और ये मेरे पास 1.5 लीटर पानी है, ठीक है, बोतल। तो ये गोश्त के हिसाब से आपने डाली, ज़्यादा यखनी की हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं, तो मैं गोश्त के हिसाब के मुताबिक डाल रही हूँ, ठीक है? इतना, इससे ये कि मेरा गोश्त अच्छे से गल जाएगा इसमें, और फुल गल जाएगा। और ये देखें, बहुत ज़बरदस्त है जी। पानी डाल दिया है, मसाले सारे खड़े डाल दिए हैं गरम, और 1 चम्मच नमक डाल दिया, अदरक भर के 1 चम्मच डाल दें। और कुकर में बना रही हूँ, तो आप चाहें तो दूसरे तरह से भी बना सकते हैं बिना कुकर के, लेकिन मैं कुकर में बनाऊँगी। तो आए, आधे घंटे के लिए मैं कुकर लगा रही हूँ, ठीक है? जी, प्याज हमारे यहाँ पे ब्राउन हो गए, तो अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी, ठीक है? इसका गोश्त मैंने डाल दिया, ठीक है? अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, गोश्त के प्याज के अंदर हम इसको गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे। और नलिए मैंने निकाल ली थी पहले ही, मुझे वो हम बाद में फिर डाल देंगे, ठीक है? और ये देखें, अच्छे से फ्राई हुआ टमाटर है, और इसको मैंने ये स्लाइस की किस तरह गोल गोल काटी है, ये डाल दूँगी अपने। और जब तक हमारा ये टमाटर नरम हो रहे हैं, तब तक हम दूसरे दही में चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है? ऐड कर लेते हैं। जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं, ठीक है, तब तक मैं दही में ये मसाले डाल दूँ, एक चाट मसाला 1 चम्मच भरकर डालूंगी, ये धड़ा मिर्ची भी 1 चम्मच भरकर, नमक 2 चम्मच डालूंगी, ठीक है? क्योंकि उसमें हमने कम ही डाला है, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं, कोई मसाला नहीं। बस खुश्क धनिया ये भी 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर ये छोटा मेरे पास चम्मच है, ये भी 1 चम्मच डाल दूँगी, ठीक है? रुक जाओ, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, ये ठीक है? और ये मिक्स हो गया, अब मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल दूंगी, ये 1 और ये 2, ये हम बिरयानी मसाला डाल देंगे 2। और बिरयानी मसाला ये घर में ही हम तैयार किया हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और ये देखें, अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है? ये देखें माशाल्लाह से, इसका ऑयल आप चेक करें, ठीक है? ये मेरे पास 3 बड़ी नली थी, तो उसी वही ऑयल डाला, हम लोगों ने एक्स्ट्रा घर का ऑयल बिल्कुल नहीं डाला, तो वो उसी ऑयल में, ये देखें आप ऑयल चेक करें, और मसाला हमारे अच्छे से भर गया है, ठीक है? गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो गया। तो अब मेरे पास ये जो दही का मैंने मिक्सचर बना के रखा है, ठीक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, उसमें डाल दूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, बहुत अच्छी, जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा सेम मेरी ही रेसिपी से। और वीडियो पूरा देखा करें ताकि समझ आए, आपको पता चले इसमें क्या क्या चीज़ें डाली है, क्या क्या नहीं डाली है। आगे आगे अगर स्किप करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, तो फिर समझ नहीं आती सही से वीडियो की। माशाल्लाह से आप कलर चेक करें हमारी बिरयानी का,
और खुशबूदार बन रही है। मसाले बहुत इसमें डाले हैं मैंने, बहुत मज़े की बन रही है इंशाल्लाह से। और ये मेरे पास 5 से 6 अदद मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास जो यखनी है, ठीक है, जिसमें हमने गोश्त को लाया था, इसको फेंकी नहीं है, इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, ये इसमें डाल दूँगी। ये तकरीबन 2 कप के बराबर मेरे पास है, ठीक है, ये मैं डाल दूँगी। और ये जो नली हम लोगों ने निकाल दी थी, 3 अदद मेरे पास नली है, ये डाल दूँगी इसमें, ताकि इसमें अच्छा सा जायका आ जाए ऐसे, ठीक है। इस तरह जी फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। हमने ये जो यखनी इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, इसी के अंदर हम चावल डालेंगे। तो जब तक हमारा ये कोरमा तैयार हो चुका है, तो मैं चावल कर लूँ जल्दी से बॉयल, ठीक है। यहाँ पे हमारे अच्छे से बॉयल डाल के पानी को, ठीक है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी 1/2 चम्मच, ठीक है। और ये मेरे पास कुछ धनिया और पुदीने हैं, ये डाल दूँगी। इसी तरह इसके पत्ते इस तरह से, इससे ये की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी इस तरह से, ठीक है। ये और ये मेरे पास चावल है, इनको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था, तकरीबन 1/2 घंटा मैंने इसको पहले ही भिगो दिया था। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। लोग अक्सर चावल को भी बोलते हैं, तो मैं ये चावल मेरे पास बनस्पति हैं, और कुछ लोग तो सेंधा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास बनस्पति चावल है, ठीक है। और 1 किलो की रेसिपी है, 1 किलो ही मेरे पास गोश्त था बीफ का, और 1 किलो मेरे पास ये है चावल। तो ये मैं कुछ निकाल जी, चावल सारे मैंने इसमें अच्छे से धोकर डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसको मैंने हाफ कुक करना है, फुल कुक नहीं करना, क्योंकि हमारे पास पहले भी उसमें कॉर्नर में भी यखनी है, तो फिर हम लोग अभी उसमें 2 कनी जब रह जाएगी, तो फिर मैं उसमें दम लगा दूँ, ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे हाफ कुक हो गए, ये देखिए आप माशाल्लाह, ये मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ, ये ठीक है, इसमें 1 कनी रह गई है, 2 कनी हो गई है। और आप इस पॉइंट पे आके ये बिरयानी एसेंस है मेरे पास, ये आपने डाल देना है तकरीबन 1 चम्मच हाफ, और मेरे पास ये 1 कैप है, ये मैं डाल दूँगी, ठीक है। ये इससे जायका और खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से ऐसे हिला दूँगी, क्यों ये जो चावल हमने बॉइल किए हैं, ये मैं डाल दूँगी। और इसलिए मैंने इसके अंदर कनी छोड़ दी थी, ये देखिए हमारी यखनी इसमें है, ठीक है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से, तय नहीं लगाएंगे, बस एक ही बार में सारे डाल देंगे एक ही बार में, ठीक है, इस तरह से। ये चावल मैंने सारे डाल दिए हैं, और ये मेरे पास केवड़ा वाटर है, ये मैं डाल दूँगी, ये 1 चम्मच, ठीक है। और साथ ही मैं ये फूड कलर डाल दूँगी इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये हाफ साइड पे मैंने ये डाला है, ठीक है। और ये मेरे पास हरी मिर्चें, पुदीना, नींबू, धनिया, ये है, ये मैं इस तरह से डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं इसको दम लगा दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। इस तरह से रुमाल का अब मैं इसको दम लगा दूँगी 20 मिनट के लिए, ठीक है, इस तरह से। इसके ऊपर आप चाहें तो कोई हैवी चीज़ भी रख सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 20 मिनट हो गए हमारी बिरयानी को। तो आप माशाल्लाह से आप इसकी रंगत चेक करें, कैसे ज़बरदस्त ऊपर से गल गए हैं। मैं आपको इस तरह भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये देखें आप, ये देखें, ठीक है, गल चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो आए अब हम एक साइड से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह, और बहुत खुशबूदार बनी है। ये तो आए डिश आउट करते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। पहले मैं ये थाली एक साइड पे कर दूँ,
क्योंकि हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही है। बिस्मिल्लाह, ये ठीक है। अब बाकी का बहुत ज़बरदस्त बने, माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें आप। जी, और ये मैंने टी शर्ट कर ली है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह इसके लुक ज़बरदस्त, खुशबू जायकेदार बने हैं। और ये मैंने नली निकाल ली है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और ये नली मेरे पास जो कि बहुत गर्म है, तो ये देखिए आप, इसमें अभी और भी है, ये आप चेक करें माशाल्लाह, ये ठीक है, बिल्कुल खाली हो गई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह से। ये देखिए खाली हो गया बिल्कुल, ठीक है। ये हमारी बनी है बीफ नली बिरयानी, बहुत मज़ेदार जायकेदार। आप ज़रूर मेरी ही रेसिपी से ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत पसंद आएगी, और यहाँ तक कि आपकी फ़ैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी, ठीक है। बाहर का जो बिरयानी वगैरह वो सब भूल जाएंगे इंशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त बनी है। और मैं आपको चावल दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है, ये देखें, बिल्कुल चावल गला हुआ है हमारा। और ये गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, बहुत जूसी और ज़बरदस्त जायकेदार बने। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको ये रेसिपी मेरी बनेगी, तैयार होगी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। देखने के लिए शुक्रिया।